हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 8 का हिंदी का जो गुंजन बुक है, मधुवन पब्लिकेशन का गुंजन बुक है, उसका चैप्टर 3 का आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अच्छे से सॉल्यूशंस को पढ़ पाएँ या फिर लिख पाएँ। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। शब्दार्थ है चाव, इच्छा या चाह। सहन आंगन। सलाख धातु की छड़ी, मतलब धातु की छड़ या सलाई। मुंगेरिया ढोकने पीटने के काम आने वाली लकड़ियाँ। मचिए छोटा खाट। मनिहार वह व्यक्ति जो चूड़ियाँ बनाता है। पैतृक पुश्तैनी या पिता से प्राप्त। खपत बिक्री वस्तु विनिमय, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु खरीदना। कसर कमी पगड़ी सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाले लंबा कपड़ा। नाजुक कोमल खातिर आदर सत्कार। बहुधा अक्सर बदली तबादला। बिरले ही किसी के। सहसा अचानक दृष्टि दौड़ाई। ये मुहावरा फ्रेंड्स, यहाँ वहाँ देखना। अवस्था उम्र भापली समझ जाना। फसली फसल काटने के दिन में भूसे के कण हवा में उड़ने से होने वाली खांसी। व्यथा दुख या दर्द या पीड़ा। मुखातिब देखकर। बखत वक्त या समय। ठिठक गई रुक गई। फब सजना या शोभा देना। तो चलिए अब हम इसका अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास का है पाठ बोध का मौखिक का क नंबर क्वेश्चन है। लेखक बदलू को काका क्यों कहता था? उत्तर है लेखक बदलू को काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे बदलू को काका कहकर बुलाया करते थे। ख नंबर क्वेश्चन में है बदलू लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाता था? इसका उत्तर है बदलू का मकान कुछ ऊँचे पर था। मकान के सामने एक सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उस पेड़ के नीचे बैठकर बदलू काम किया करता था। पास ही में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार बना देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती। लाख को चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। गा नंबर क्वेश्चन में है बदलू का चूड़ियों बेचने का क्या तरीका था? इसका उत्तर है बदलू का चूड़ियों बेचने का वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का अर्थ है किसी वस्तु को लेने के लिए उसके बदले में अन्य वस्तु देना। इसलिए वह चूड़ियों को पैसा में नहीं बेचता था। लोग उससे अनाज के बदले तथा अन्य वस्तुओं के बदले चूड़ियाँ ले जाते थे। घर नंबर क्वेश्चन में है बदलू का काम बंद क्यों हो गया था? इसका उत्तर है बदलू का काम इसलिए बंद हो गया था क्योंकि गांव की महिलाओं ने कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया था। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया था। चूड़ियों बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग होने लगा था। मशीनों से तैयार कांच की चूड़ियों को सुंदरता के आगे हाथ से बनी लाख की चूड़ियाँ फीकी पड़ गई थी। कांच की चूड़ियाँ सस्ती सुंदर और आकर्षक हुआ करती थी। बदलू ने बदलते समय के साथ अपने काम में कोई बदलाव नहीं किया था।
इसका लिखित क्वेश्चन में है, कम है। लेखक को बचपन में क्या चाप था? इसका उत्तर है, लेखक को बचपन में कई चाप थे, जैसे लेखक को बचपन में अपने मामा के गांव जाने का चाप था। गांव से लौटते समय लेखक अपने ढेर सारे रंग बिरंगी लाख की गोलियां लेकर आता था। वह उन्हें ढेर सारे आम खाने के लिए मिलते थे वहां उन्हें ढेर सारे आम खाने के लिए मिलते थे। खा नंबर क्वेश्चन में है, बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी, इसका क्या कारण होगा? इसका उत्तर है, बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी, इसका यह कारण होगा कि कांच की चूड़ियाँ सस्ती, सुंदर और आकर्षक हुआ करती थी। कांच की चूड़ियाँ आ जाने के कारण गांव की कोई भी महिला उससे लाख की चूड़ियाँ नहीं खरीद रही थी। उसे लगता था कि अगर लोग कांच की चूड़ियाँ खरीदने लगेंगे तो फिर लाख की चूड़ियाँ का धंधा ठप हो जाएगा। गा नंबर क्वेश्चन में है, बदलू बचपन में लेखक की खातिर कैसे किया करता था? इसका उत्तर है, बदलू बचपन में लेखक की खातिर कुछ इस प्रकार किया करता था कि बदलू जिन दिनों उसकी गाय से दूध हुआ बदलू जिन दिनों उसकी गाय से के दूध होता वह सदा लेखक के लिए मलाई बचा कर रखता था। आम की फसल के दिनों में तो रोज उसे दो चार आम खिलाता। वह लेखक के लिए रंग बिरंगे लाख की गोलियां भी बनाता था। घ नंबर क्वेश्चन में है, पाठ के आधार पर बदलू के स्वभाव के बारे में लिखिए। इसका उत्तर है, पाठ के आधार पर बदलू का स्वभाव इस प्रकार था कि बदलू स्वभाव से सीधा था। वह कभी किसी से झगड़ता नहीं था। वह पुरानी सोच का व्यक्ति था, क्योंकि वह आज भी वस्तु विनिमय के तरीके से चूड़ियाँ बेचता था। वह अपने कामों में कुशल होने के कारण थोड़ा जिद्दी भी था, क्योंकि शादी विवाह के अवसर पर यदि वह नाराज हो जाए तो फिर उसे मनाना आसान नहीं था। तब वह मन माफिक दाम पर ही चूड़ियाँ देता था। बदलू अपने उसूलों का पक्का था, क्योंकि मशीनीकरण के युग में भी उसने मन माफिक दाम न मिलने पर अपना बनाया चूड़ियों का आखिरी जोड़ा जमींदार को नहीं बेचा। बदलू ने इसका अड़ा नंबर क्वेश्चन में है, बदलू ने अपना बनाया आखिरी जोड़ा क्यों नहीं बेचा? इसका उत्तर है, बदलू शादी विवाह के अवसरों पर मन माफिक कीमत मिलने पर ही चूड़ियों का जोड़ा बेचता था। जमींदार साहब ने उसके बनाए गए चूड़ियों उसके बनाए जोड़े की कीमत 10 आने लगाई, जो बदलू को मंजूर नहीं था, इसलिए उसने चूड़ियों का आखिरी जोड़ा नहीं बेचा। आशय स्पष्ट कीजिए। इसका फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव? इसका उत्तर है, इस पंक्ति का आशय यह है कि कांच की चूड़ियाँ मशीनों से बनी होती हैं और नाजुक भी होती है, इसलिए झिलमिल करती हुई अधिक सुंदर लगती है। ऐसी सुंदरता लाख की चूड़ियों में नहीं दिखाई देती। उसका सेकंड नंबर क्वेश्चन में है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इसका उत्तर है, इस पंक्ति का आशय यह है कि मशीनों द्वारा काम जल्दी होता है और अधिक सफाई से भी होता है। इसमें श्रम कम लगता है और तैयार वस्तुओं की कीमत कम होती है, इसलिए लाखों हुनरमंद हाथ के कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, यही हमारा सॉल्यूशन था चैप्टर 3 लाख की चूड़ियों का। तो आपको फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में बताना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और यदि आप इस वीडियो को पूरा देखे हो तो लाइक कर देना। अगर जो आपको अच्छा लगा ये वीडियो तब भी लाइक कर देना, अगर जो आपको ख़राब लगा वीडियो तो डिसलाइक कर देना। लेकिन फिर डिसलाइक करने के बाद
क्यों आपको खराब लगा वो भी आपको कमेंट में लिखना है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।